हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूटर्न। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन और आपकी सीईटी की प्रिपरेशन दोनों बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो कल पेपर है, ठीक है, कल किसका पेपर? आप लोगों का फिजिक्स का। तो फिजिक्स के पेपर में आप लोगों को क्या क्या टेंशन है, क्या क्या चीज़ें आ सकती है, किस चीज़ को कैसे करना है, ठीक है, आप लोग अपना लास्ट मोमेंट पे एक दिन में स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, और जितने भी डाउट्स आपके फिजिक्स बोर्ड से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर होंगे। प्लस सीईटी के लिए कुछ टिप्स दूंगी मैं आप लोगों को, जिससे कि जो बच्चे सिर्फ सीईटी टारगेट कर रहे होंगे वो इस दौरान में इस वीडियो से मैक्सिमम यूज़ ले सके, ठीक है। तो ये वीडियो दोनों एस्पिरेंट्स के लिए जो कल बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लस जो लोग सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है और अच्छे से सब चीज़ों को नोट डाउन करना है, जिससे कि आप लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। एक और चीज़ है कि हम फिजिक्स के लिए शाम को कुछ रिलीज़ करने वाले हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको वो चीज़ मिल सके। प्लस आपको इंस्टाग्राम पेज पे भी हम कुछ चीज़ें डालने वाले हैं, तो और डालते आ रहे हैं, और आज हम स्पेसिफिकली आपके कल के पेपर के लिए कुछ ना कुछ डालेंगे, तो आप लोगों को हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर जाके, ठीक। तो आप लोगों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम हर आपके जो भी आपके बोर्ड्स आती है तो बोर्ड से रिलेटेड वीडियो, सीईटी जब आती है तो सीईटी से रिलेटेड वीडियो, जब आपके कॉलेजेस का टाइम आएगा तो कॉलेजेस से रिलेटेड वीडियो, पूरी काउंसलिंग वगैरह सब कुछ के बारे में वीडियोज़ आते रहेंगे। तो हम आपकी जर्नी में तब तक भी रहेंगे और उसके आगे भी रहेंगे जब आप फर्स्ट ईयर में आ जाओगे। तो आप लोगों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जैक्टली एक दिन बचा है, ठीक है। अब इस एक दिन में हमें एंड मोमेंट पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कल की वीडियो आप लोगों ने जब देखी होगी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप एमसीक्यूज़ और वेरी शॉर्ट आंसर्स पे फोकस करो, उससे आपके अराउंड 15-18 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज़ आपको वो करनी है। अब दूसरी चीज़ आपको इस एंड मोमेंट पे क्या करनी है, आपको सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ठीक है। आपने कोई चैप्टर पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, फॉर्मूले आपको हर चैप्टर के रिवाइज करने हैं, क्योंकि अगर ऐसे दो टू मार्कर्स में या इन टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपके फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है सीधा सीधा कि फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर सॉल्व हो गया, तो हमें वो चीज़ें मिस आउट नहीं करनी है। तो फॉर्मूले आपको पक्का करके जाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर की चीज़ एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर्स की प्रिपरेशन आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे से। दूसरा है आपका फॉर्मूले आप लोगों को रिवाइज लेना अच्छे से, ठीक है, एक भी फॉर्मूला छूटना नहीं चाहिए। तीसरी चीज आपकी जो आती है वो है डेरिवेशंस। अब डेरिवेशंस मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि डेरिवेशंस आपने अगर एक बार समझ ली तो उसको डिराइव करने का मतलब वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ही होता है, उसमें दिमाग नहीं लगाना होता, वो रटना होता है और फिर उसके हिसाब से उसको लिख के आ जाना होता है पेपर में। तो ये चीज़ बहुत स्कोरिंग होती है, कल को आपके पेपर में एक ना एक डेरिवेशन तो होगी सही, है ना, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करनी, ठीक है। तो तीसरी चीज़ हमारी जो है वो डेरिवेशंस की। अब जिन बच्चों ने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, वो ये तीनों चीज़ें तो पक्का करके जानी ही है, और जिन बच्चों ने ये थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपको ये तीनों चीज़ें भी करनी है, प्लस आपको जो आपके इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनको एक बार ब्रश अप कर लेना है। वो इजी चैप्टर्स आप ब्रश अप जब करोगे तो आप लोग उसमें से जो भी आपने पढ़ा होगा वो पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को चौथी चीज़ क्या करनी है, इजी चीज़ों को पढ़ लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को एक कूल माइंड रखना है, ठीक है, कूल माइंड रखना है। प्लस आप लोगों को अपने पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप साफ नहीं लिखोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे से। प्लस आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बतानी है कि अगर आप सीईटी एस्पिरेंट भी होगे, ठीक है, अगर आप सीईटी एस्पिरेंट हो तो आप लोगों को बोर्ड्स की पढ़ाई से आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, आपको सीईटी के लिए एक अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। आपको सीईटी के लिए कब प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको जैसे ही बोर्ड्स होते हैं या फिर बोर्ड्स के साथ साथ ही जैसे भी आप लोग मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अलग टाइप की एक प्रिपरेशन चाहिए होती है, अलग पॉइंट्स पूछे जाते हैं सीईटी में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी पढ़ाई है वो सबको पढ़ना है, फॉर्मूला बुक्स बनानी है, ठीक है, फिर आपको जो कुछ भी आपने पढ़ा है कम टाइम में उसको आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करोगे, टेस्ट के द्वारा। तो हमने आप लोगों के लिए क्या लाया है, हमने आपके लिए बेसिकली एक क्रैश कोर्स डिज़ाइन करा है, जिसमें हम आपको चैप्टर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं, एग्जांपल्स करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं, जिससे कि आप समझ सको कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट पे सीईटी ने इस तरीके से आपको टेस्ट किया था। और फिर हम आपको 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं टेस्ट सीरीज के द्वारा, जिसमें आपको 20 मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, उसके द्वारा आपने जो कुछ भी पढ़ा होता है आप उसको अप्लाई करके देख सकते हो, जिससे कि आपको एक
पता लग सके कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, क्या मैं इसको आंसर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गूगल फॉर्म की लिंक दी है, गूगल फॉर्म की लिंक उसको जाके प्रेस करना है, उधर जाके रजिस्टर हो जाना है। ये चीज़ आपको जल्द से जल्द करनी है क्योंकि हम बहुत जल्दी आप लोगों को क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट करवाना चाहते हैं, जिससे कि आपकी प्रेपरेशन एकदम A1 हो, ठीक है। और ये चीज़ आपको बाहर आप कर सकते हो, लेकिन आपको ना तो डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे, प्लस आपको 50-60 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे सेम चीज़ के लिए, ठीक है। हमने आपके लिए चीज़ बहुत बेटर वे में डिज़ाइन करी है, ठीक है। प्लस हम आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करें, प्लस हमारा मेन एम क्या था कि हमें हम आपके मम्मी पापा के पैसे वेस्ट नहीं करने, यही चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने ये करा है, ठीक है। अब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गूगल फॉर्म की लिंक को भर देना है। अब जो फिजिक्स के लिए आपकी जो एक बोनस टिप है, वो बोनस टिप ये है कि आपको कल के पेपर में हर एक क्वेश्चन को आंसर करके आना है, ठीक है। भले ही आपको उसके बारे में एक लाइन आती हो चाहे 10 लाइनें आती हो, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कल को आपका तुक्का सही लग गया या कल को आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ लिख दी, तो यू विल गेट योर मार्क्स, ठीक है। तो आपको MCQs, वेरी शॉर्ट आंसर्स पे फोकस करना है, फॉर्मुलेस पे, डेरिवेशंस पे, प्रेजेंटेशन पे, हर एक क्वेश्चन को आंसर करके आना है, ठीक है। और इजी चैप्टर्स पे पहले फोकस करिएगा आज, ठीक है। शाम को हम एक ऐसी वीडियो डालने वाले हैं जिसके अंदर आपको कल किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कल आपकी एग्जैक्ट पेपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो सारे के सारे शाम को वीडियो में डिस्कस होंगे। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में वीडियो ज़रूर टाइप करिएगा, ठीक है। और आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिएगा, और गूगल फॉर्म क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर फिल कर दीजिएगा। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल ऑफ यू ऑल कैन डू इट, स्टे हेल्दी, ओके, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।